आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सफल होना है, नाम कमाना है और आते ही छा जाना है, तो आपको हार्डवर्क और कंट्रोवर्सी ज़रूर करनी पड़ेगी। आप कहेंगे हार्डवर्क तो ठीक है, फिर कंट्रोवर्सी क्यों? तो हम आपको आगे बताने वाले हैं क्यों। चलिए बात को यहाँ वहाँ नहीं घुमाते हैं और सीधे लेके चलते हैं राकेश मिश्रा की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें कि राकेश मिश्रा ने पिछले दिनों जब उनका गाना ए राजा तनी जाई ना बहरिया म्यूज़िक वाइंड से रिलीज़ हुआ था और उस गाने को बहुत ही सक्सेस मिली, उसके बाद उन्होंने कई कारनामे किए, लाइव आके रोना धोना वगैरह वगैरह आप सभी ने देखा होगा। खैर, आजकल लाइव आके रोना कॉमन हो चुका है, ये सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ही लोग हैं जो लाइव आकर रोते नहीं है, अदरवाइज ऑलमोस्ट भोजपुरी में आप कलाकारों को देखेंगे कि लाइव आके रोना धोना उनका स्टार्ट रहता ही है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब इस मामले में एक यूट्यूब चैनल ने पवन सिंह के एक बहुत ही करीबी मित्र दीपक सिंह का इंटरव्यू लिया है। दीपक सिंह ये वही बंदे हैं जिन्होंने पवन सिंह को हर एक बुरे और अच्छे दौर में बखूबी साथ दिया है। तो चलिए बात को आगे और बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि दीपक सिंह का एक हाल ही में YouTube चैनल ने इंटरव्यू लिया और इस चैनल के रिपोर्टर ने दीपक सिंह से जो सवाल किए वही हम आपको बताना चाहते हैं। वैसे हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जो कंट्रोवर्सी राकेश मिश्रा कर रहे हैं उसमें कोई भी दम नहीं है। जो बात हमने कही थी ठीक वही बात दीपक सिंह ने भी अपने इंटरव्यू में कही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या कहा है दीपक सिंह ने। जब रिपोर्टर ने दीपक सिंह से ये पूछा कि राकेश मिश्रा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पवन सिंह उनके कामयाबी में रोड़ा डाल रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है, तो इस पर दीपक सिंह ने जो कहा वो बहुत ही सही कहा। ऐसा लगता है कि अब शायद दीपक सिंह की ये बात सुनने के बाद राकेश मिश्रा को अपने पे थोड़ी बहुत शर्म तो आ ही रही होगी। खैर, हम आगे बात को बढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे दीपक सिंह ने एक गौर करने वाली बात कही कि आप चाहे जितना भी बड़ा गाना गा लो, यह बधाई देने का दौर भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी शुरू नहीं हुआ है और कोई भी बड़ा सितारा किसी को बधाई नहीं देता है अगर आपका गाना बहुत सुपरहिट हुआ है। आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, इनकी फिल्में हो, गाने हो, बहुत ज़बरदस्त हिट होते हैं लेकिन इन्हें कोई बधाई नहीं देता, ये बात सभी जानते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बात रिवील हुई वो ये रिवील हुई कि जो ये गाना है इराजा तनी जाई ना बहरिया, ये गाना सबसे पहले पवन सिंह ने ही सुना था और पवन सिंह ने ही राकेश मिश्रा को इसमें 4-5 जो खामियां थी उसे सुधारा और फिर उन्हें ये गाना दिया और कहा कि इस गाने को इस तरह से गाओ, और राकेश मिश्रा ने ठीक उसी तरह से किया जैसा पवन सिंह ने कहा था। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि म्यूज़िक वाइंड जो कंपनी है वो पवन सिंह के फ्रेंड्स की ही है और पवन सिंह ने जब ये कंपनी शुरू हुई थी तभी इस पर कई गाने गाए थे ताकि इस कंपनी को नई पहचान मिल सके। यहाँ पे दीपक सिंह ये कहते हैं कि जिस तरह से राकेश मिश्रा इल्ज़ाम लगा रहे हैं पवन सिंह पर, ये सरासर गलत है। साथ ही दीपक सिंह ने ये भी कहा कि राकेश मिश्रा को ऐसा करना चाहिए नहीं था और यहाँ पर ये भी कहा कि पवन सिंह उन लोगों में से है कि उन्हें सिर्फ अपना ही गाना नहीं पसंद है, अगर उन्हें किसी का भी गाना पसंद आता है तो वो कई बार उस गाने को सुनते हैं। और साथ ही साथ इस बात को भी क्लियर किया कि ये राजा तनी जाई ना बहरिया की ट्यून पवन सिंह के गाने माई रोवत हुई है से लिया गया है। यानी इतनी सारी क्लेरिफिकेशन के बाद अब लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह की कॉन्स्पिरेंसी चल रही है पवन सिंह को गिराने की। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह को अब पूरी तरह से गिराने की कॉन्स्पिरेंसी चल रही है और इसे अब पवन सिंह के फैंस को समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है। पवन सिंह के ऊपर लगातार कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, इस तरह के सवाल सोचने की भी ज़रूरत है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।